जितना ज्यादा लोगों को जानवरों के साथ प्यार से पेश आने के लिए जागरूक किया जा रहा है, उतने ही ज्यादा मामले जानवरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने के सामने आते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के पौश इलाके द्वारका का है, जहां 2 दिसंबर के दिन प्रमोद नाम के एक आदमी ने पहले तो सड़क के किनारे रहने वाले एक पिल्ले को अपने घर फुसलाकर बुलाया और फिर आरी से उसके पैर काटने की कोशिश की। नन्हे पिल्ले का कसूर केवल इतना था कि उसके नाखून प्रमोद के पैर पर लग गए थे। आरोपी प्रमोद शराबी और बेरोजगार है। जैसे तैसे प्रमोद की पत्नी और पड़ोसियों ने पिल्ले को उसके चंगुल से छुड़ाया और उसकी मरहम पट्टी की। प्रमोद की पत्नी के मुताबिक प्रमोद एक बार एक बंदर की भी हत्या कर चुका है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उससे भी क्या फायदा होगा जब यह इंसानी जानवर केवल 50 रुपए का फाइन देकर ही छूट जाए। ये हमारे बाबा आदम के जमाने वाले ढीले कानून का ही नतीजा है कि इंसान अपने सबसे वफादार दोस्त का खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है।